टॉम एंड जेरी एक ऐसा शो जिसके लिए बच्चा बच्चा दीवाना है। ये शो दुनिया के मोस्ट पॉपुलर एनिमेशन कार्टून शोज में से एक है। इस शो के चाहने वालों की कमी नहीं है। विलियम्स हना और जोसेफ बरबरा के बनाए चूहे बिल्ली की अमर कहानी, जिसमें एक छोटा चूहा रात दिन बिल्ली की नाक में दम करता रहता है। एक दूसरे से उलझने के अलावा दोनों को और कोई काम नहीं होता। अगर हम बचपन के दिनों को याद करें तो हमें याद आता है कि एक बिल्ला था टॉम और एक चूहा था जेरी। दोनों हरदम लड़ते रहते थे, लेकिन क्या टॉम और जेरी हमेशा लड़ते रहे? क्या उन दोनों की कहानी लड़ाई पर ही खत्म हो गई, या उनकी कहानी कभी खत्म ही नहीं हुई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका एक्ट ऑन फैक्ट में। दोस्तों, टॉम एंड जेरी एक ऐसा शो था कि अगर आज भी हमें कहीं चलता हुआ दिख जाए तो हम बस इसे ही देखते रहेंगे। दोस्तों जरा सोचिए, याद कीजिए अपने बचपन के वो दिन जब ये शो टीवी पर आता था, तब हम सारे काम छोड़कर बस इसे देखने में लग जाते थे। याद कीजिए दोस्तों, हमने इस शो को कितना प्यार दिया है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि टॉम एंड जेरी की इस कहानी का अंत कैसे हुआ था। आखिर क्या हुआ था टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में, जानने के लिए देखिए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। टॉम एंड जेरी की पहचान उसकी मस्ती और शरारत है। मगर दोस्तों, इस सीरीज का एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें ना मस्ती है और ना हंसी है। इसे कार्टून के इतिहास का सबसे डार्क एपिसोड कहा जाता है, जिसमें टॉम और जेरी एक साथ मर जाते हैं। MGM के ओरिजिनल टॉम एंड जेरी सीरीज में एक एपिसोड है जिसका नाम है ब्लू कैट ब्लूज। कहते हैं कि ये इस कहानी का अंत था। टॉम एंड जेरी की कहानी किसी सीरियल जैसी नहीं थी कि जहां एपिसोड की कहानी आगे बढ़ा दी जाए। इसके हर एपिसोड में किरदार वही पुराने रहते थे, मगर कहानी नई होती थी। लेकिन जिस तरह हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही इस सीरीज को भी कभी ना कभी तो खत्म होना ही था। तो इसे बनाने वालों ने सोचा कि इस कहानी का ऐसा अंत करें कि लोगों को सच में लगे कि टॉम और जेरी का अंत हो गया है। दोनों मर गए, मगर ये मौत सीधे सीधे नहीं दिखाई गई। इसे इस तरह पेश किया गया कि देखने वाले समझ जाएं कि टॉम और जेरी एक साथ मर गए। इस एपिसोड में टॉम और जेरी दुखी होकर आत्महत्या करते दिखते हैं। टॉम के पास दुखी होने की वजह होती है और जेरी इसलिए उदास होता है क्योंकि टॉम उदास है। एपिसोड शुरू होता है टॉम की उदास सूरत से। वो रेल की पटरियों पर मुंह लटकाए बैठा है और जेरी दूर से टॉम को देख रहा होता है। फिर जेरी आगे की कहानी नरेट करता है कि टॉम की ये हालत कैसे हुई। जेरी बताता है कि वो दोनों पहले कितने मजे से रहा करते थे, पर एक दिन टॉम की जिंदगी में एक सफेद रंग की बिल्ली आती है और टॉम उस बिल्ली को चाहने लगता है। उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। अपनी कीमती चीजें बेचकर टॉम एक हीरे की अंगूठी खरीदता है और उस बिल्ली को प्रपोज करने चला जाता है। पर वहाँ वो बिल्ली उसे एक बड़ा सा हीरा दिखाती है, जो उसे एक अमीर बिल्ले बुज ने तोहफे में दिया होता है। अब टॉम बेचारा क्या करे, बिल्ली को तो महंगे तोहफे चाहिए, वरना वो तो टॉम की तरफ देखेगी भी नहीं। टॉम जब भी उस बिल्ली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता तो वो अमीर बिल्ला बुज हर बार टॉम के रास्ते में आ जाता और अपनी दौलत के बल पर उस बिल्ली को इम्प्रेस कर लेता। टॉम के पास पैसों की कमी होने के कारण टॉम खुद को बेच देता है और सारी जमीन गिरवी रख देता है ताकि वो एक कार खरीद सके। वो अपना एक हाथ और एक पैर भी गिरवी रख देता है ताकि वो ये कार खरीद कर अपने प्यार को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए। फिर टॉम एक कार खरीद कर उस बिल्ली के घर उसे इम्प्रेस करने के लिए जाता है, लेकिन वो अमीर बिल्ला बुज फिर से टॉम की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है और टॉम से भी ज्यादा लंबी और महंगी कार ले आता है, जिससे टॉम की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर टॉम डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ज्यादा दूध पीने लगता है, जो कि शराब पीने को सिंबलाइज करता है। टॉम बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली उसे भाव नहीं देती। टॉम अब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और जेरी टॉम को संभालने की कोशिश करता है। टॉम का दिल पूरी तरह टूट जाता है वो जब ये देखता है कि वो बिल्ली उस अमीर बिल्ले बुज से शादी कर लेती है। टॉम को इस बात का गहरा सदमा लगता है। उसके ऊपर खूब सारा कर्ज चढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं है और वो ये सब सोचकर रेल की पटरियों पर सुसाइड करने के लिए चला जाता है। जेरी ये सब देख रहा होता है। जेरी को टॉम पर बहुत दया आती है, लेकिन जेरी एक बात सोचकर बहुत खुश होता है। वो ये सोचता है कि कम से कम मेरा सच्चा प्यार मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन हमारे जेरी का दिल भी टूट जाता है जब वो ये देखता है कि उसका सच्चा प्यार भी किसी और चूहे का हो चुका है। और फिर दोनों टॉम और जेरी उदास होकर रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। अगले ही सीन में पीछे से ट्रेन की आवाज आती है और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है। टॉम और जेरी की लाश तो नहीं दिखती, मगर खून का एक फव्वारा जरूर आता है। इससे लगता है कि वो दोनों मर गए। ये शायद इस पूरी सीरीज का इकलौता ऐसा एपिसोड है जहां टॉम और जेरी लड़ते नहीं है, जहां जेरी टॉम को परेशान नहीं करता बल्कि उसकी परवाह करता है।
तो दोस्तों ये थी टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड की पूरी कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जरूर मजा आया होगा। अगर आप भी टॉम एंड जेरी के फैन हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।